नमस्कार दर्शकों, मैं सपना मौर्य और मेरे चटपटी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम आपको सिखाएंगे जीरा राइस। जीरा राइस बहुत अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। आज हम कुछ अलग ही ट्रिक से बनाएंगे, कुकर में बनाएंगे, फटाफट जल्दी से बन जाने वाला जीरा राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस चालू करके, मैंने गैस ऑन करके एक कुकर रख दी हूँ इस पर गर्म होने के लिए, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच, ये छोटा चम्मच से घी है। घी में जीरा राइस अच्छा बनता है, तो कभी भी बनाएं घी में ही बनाएं। तो अब घी को पिघलने देंगे हम। तड़के के लिए मैंने एक तेजपत्ता ली हूँ, तेजपत्ता मैं इसमें डाल दूँगी, और एक ये छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, और एक ये इलायची है काली वाली, और 7 से 8 काली मिर्च है, और 1 बड़ा टेबल स्पून जीरा है। अब इसमें हम जीरा को डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम जीरा डाल देंगे और जीरे को अच्छी तरह से हम रखने देंगे। अब इसमें ये मसाले भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इस तरह से कुकर को हिलाते हुए मसालों को हम भून लेंगे घी में। जीरा हमारा भुन गया है। अब ये हम 1 बड़े कटोरी से चावल ली थी, इसको अच्छे से मैंने वाश करके धुल करके 20 मिनट पहले से मैं इसको रखी थी, तब इसको मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको चावल को हम 1 मिनट इसी तरह से चलाते हुए घी में हम इसको फ्राई कर लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कटोरी से मैंने 1 कटोरी चावल ली थी, तो इसी कटोरी से हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। आपका चावल जितना हो, 1 कटोरी में पूरा एकदम ऊपर तक भर के चावल ली थी, तो मैं पानी कटोरी से 2 कटोरी डाली हूँ। हल्का सा चावल से थोड़ा सा पानी कम रहता है, तो हमारा जीरा राइस बहुत ही बढ़िया बनता है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो इसमें हम नमक को भी इस तरह से डाल करके चला देंगे। इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे, इससे चावल हमारा एकदम से खिला खिला बनेगा। और इसको अब हम फिर से इस तरह से मिक्स कर देंगे और अब ढक्कन लगा करके 1 सीटी आने का वेट करेंगे इसका। तो 1 सीटी आ गया है कुकर में, तब इसको हम उतार लेंगे और इसका प्रेशर भी हम निकाल लिए हैं। अब इसको हम ढक्कन खोल के इसको चेक करते हैं। कितना मस्त एकदम बढ़िया जीरा राइस हमारा दिख रहा है, एकदम खिला खिला आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से चला करके इसको हम अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। कुकर में बनता है तो थोड़ा सा ऐसे ही होता है, देख सकते हैं। सभी लोग कहते हैं कि कुकर में जीरा राइस अच्छा नहीं बनता है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी एकदम अलग अलग चावल एकदम बना है। इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ, एक प्लेट में मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, आपको सर्व करके मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये बासमती चावल का हमारा जीरा राइस बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं, लग ही नहीं रहा है कि कुकर में बना है, एकदम से ये चावल हमारा अलग अलग दिख रहा है। ये नींबू के रस डालने का कमाल है कि ये चावल हमारा बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। तो इसी तरह आप भी बनाइए। अब इसको थोड़ा सा हम गार्निशिंग करेंगे हरा पत्ते धनिया से, ताजे फ्रेश हरा धनिया है, इससे थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी एकदम जीरा राइस हमारा बन करके तैयार है। आप भी इसी तरह बनाइएगा, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने लोगों में, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह नई नई रेसिपी आपको फिर से मिलता रहेगा।